नमस्ते एंड वेलकम टू स्पाइस अरोमा डॉट इन, वेयर फूड इज लव एंड रिलीजन। आज वापस से बनाते हैं एक कोस्टल रेसिपी, एक केरला रेसिपी जो कि जनरली बनाई जाती है मलाबार परोटा या आपम के साथ। तो चलिए आज बनाते हैं आलू बीटरूट कुरमा की रेसिपी। हमारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम अपने स्पाइसेस को रोस्ट करेंगे। तो पैन को रखा है मीडियम फ्लेम पर और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ड्राई रेड चिलीज यानी साबुत लाल मिर्च, धनिया के बीज, सौंफ के बीज, काली मिर्च, चक्री फूल, दालचीनी और इलायची, जीरा, खसखस, टूटे हुए काजू के टुकड़े। और अब इन सारी चीजों को हम मीडियम टू लो हीट पर रोस्ट करेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और जैसे ही खुशबू आती है हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। और इसके अंदर फिर डालेंगे हम अपने नारियल को और इसे पानी डालकर पीस लेंगे। हम एक फाइन स्मूथ पेस्ट बनाकर रख लेंगे इसे साइड में। अब हम अपने सब्जी की तैयारी करेंगे। तो मैंने एक पैन को तेल डालकर प्री हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ तोड़कर तेजपत्ता। तेजपत्ते के साथ ही हम डाल देंगे अपने कड़ी पत्तों को और फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। प्याज के साथ ही मैंने क्रश कर लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को। अब हम इसे सेकेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो मीडियम टू लो हीट पर हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। प्याज हमारा सिक चुका है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने तैयार किए हुए ग्राइंडेड पेस्ट को। अब हम अपने पेस्ट को सेकेंगे लो टू मीडियम हीट पर जब तक कि इसके अंदर ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे और जैसे ही हल्का सा सिक जाए हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब हम इसे सेकते रहेंगे जब तक कि ये ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता या ये पेस्ट जो है पैन के अंदर ऑटोमेटिकली मूव नहीं होने लगता। तो देखिए पैन के अंदर चिकना हो चुका है, पेस्ट सिक चुका है। तो अब हम इस पॉइंट के अंदर चॉप्ड टोमेटोज यानी टमाटर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें मिर्ची पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल किया है स्पाइसेस रोस्ट करने के टाइम पर। अब हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है तो इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ बॉईल किए हुए आलू और बीटरूट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बीटरूट का पानी जो मैंने बॉईल करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने उस पानी को बचा लिया था और उसी पानी का इस्तेमाल करके मैं अपनी ग्रेवी को तैयार कर लूँगी। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर करीब 5 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पर इसे सिमर होने दीजिए। 5 मिनट बाद आप इसे अनकवर कर लीजिए और इसमें अब डालिए आप दही जो कि मैंने फेंट कर रखी है। दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दही अच्छे से मिक्स हो गई है तो इसे हम बॉईल होने देंगे करीब 2 से 3 मिनट तक ताकि हमारी दही अच्छे से पक जाए। जैसे ही हमारी दही पकती है, अच्छा खासा बॉईल आता है, हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रेश चॉप्ड धनिया। आप फ्लेम को लो कर दें धनिया डालते वक्त और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे नींबू का रस। करीब 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस निकलना चाहिए। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और जैसे इसमें एक बॉईल आता है हम गैस को ऑफ कर अपनी सब्जी को साइड में कर देंगे। तो कैसी लगी आपको ये हमारी केरला कोस्टल रेसिपी? इसे ज़रूर बनाइए, और आप अगर नॉर्थ इंडियन हैं तो मलाबार पराठा नहीं तो कम से कम लच्छे पराठे के साथ ही इसे एंजॉय कीजिए। इंग्रेडिएंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारी अगली रेसिपी तक खाइए, खिलाइए, खुशियाँ बांटिए।